हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फिटर फ्रेंड में मैं आनंद आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे गेज। गेज में हमने बहुत सारी गेज के बारे में पढ़ लिया है और अब आज की जो अपनी गेज होगी वो होगी ड्रिल एंगल गेज। कौन सी? ड्रिल एंगल गेज। नाम से समझ में आ रहे हैं कि ड्रिल के एंगल को चेक करने वाली गेज। कौन सी गेज? ड्रिल के एंगल को चेक करने वाली गेज। समझ में आ रहा है? आपने जो कटिंग टूल पढ़े थे तो आपने ड्रिल के बारे में जरूर पढ़ा होगा। तो जब हम ड्रिल के बारे में पढ़े थे तो अपन ने देखा था कि जो ड्रिल का जो आगे वाला जो हिस्सा होता है, जो ये वाला पॉइंट, ठीक है, आपने देखा होगा आपका ड्रिल कैसा बना होता है। ऐसे से इस तरह का बना होता है ना आपका ड्रिल। ये जो ड्रिल वाला हिस्सा होता है, ठीक है, ये वाला आपका ड्रिल होता है, आपने देखा होगा, और यहाँ पे फ्लूइड्स बने होते हैं ना। तो ये जो हिस्सा होता है, इसका जो ये एंगल होता है, इसको चेक करने के लिए जिस गेज का प्रयोग करते हैं वो अपनी होती है ड्रिल एंगल गेज। कौन सी? ड्रिल एंगल गेज, ठीक है। तो क्या होगा जब आप किसी ड्रिल को काम में लेते हैं? काम में लेते समय क्या होता है, ये जो ड्रिल के कटिंग पॉइंट है, ये जो पॉइंट होते हैं, ये क्या होते हैं, घिस जाते हैं या आपका ड्रिल टूट जाता है। टूटने से फिर आपको मान लो ग्राइंडिंग करके उसके पॉइंट्स को बनाना होता है। तो एक आप आइडिया से एक बार कच्ची उसकी ग्राइंडिंग कर तो लोगे, परंतु उसका जो एक्चुअल एंगल है वो लाने के लिए, उसको चेक करने के लिए हमें जिस गेज की आवश्यकता पड़ेगी वो अपनी कौन सी गेज कहलाएगी? ड्रिल एंगल गेज। तो आपको पता है कि ड्रिल के आगे का जो पॉइंट एंगल होता है, पॉइंट वाला एंगल, कटिंग एंगल, वो हमेशा 180 डिग्री देता है, ठीक है, 180 से लेकर 121 डिग्री तक चलता है, पर जो एक्चुअल में रहता है वो 180 डिग्री रहता है, यानी 118 डिग्री रहता है, 118 डिग्री, यानी 118 डिग्री पे जो कोण बना होता है उसकी जांच करने के लिए हमें इसी ड्रिल एंगल गेज की जरूरत पड़ती है। तो जब 118 डिग्री ये आपका एक एंगल है इसका पॉइंट, तो इसका जो एक जो कोण आएगा, जो एक कोण वो हो जाएगा 59, और इधर वाला भी जो रहेगा वो कितना हो जाएगा 59, दोनों मिलती है तो 118 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो इस जो पॉइंट एंगल को चेक करने के लिए अपन ये गेज काम में लेते हैं, जो कैसी बनी होती है मैं बता देता हूँ। एक तरह की पत्ती ही बनी होती है, ठीक है, पत्ती बनी होती है। इसमें क्या करते हैं, 180 डिग्री का इस तरह का एक स्लॉट बना काट देते हैं, फिर दूसरी साइड में भी इसमें काट सकते हैं, 120 का काट देते हैं, या इधर भी बना सकते हैं। ये जो कोण बन रहे हैं, ये वाले कोण आप देख रहे हो, ये जो कोण बन रहे हैं इसके, ये वाले और ये वाले, ये क्या होंगे अलग अलग, जैसे 180 डिग्री पे रहता है, ये मान लो 120 का हो गया, ये मान लो 121 का हो गया, डिग्री में है ये सभी चीजें, किसमें? डिग्री में। जब आपको, तो ये आपका क्या है, गेज है, जो ड्रिल एंगल गेज। अपन क्या करेंगे, जैसे अपन 180 डिग्री, तो अपन क्या करेंगे, इसका पॉइंट को ग्राइंड करेंगे और इसके बीच में यहां डालकर इसके पॉइंट को देखेंगे। अगर ये एक्चुअल में इसके बराबर आ रहा है तो अपना ड्रिल का जो पॉइंट एंगल है वो एकदम एक्यूरेट है, अगर नहीं है तो हमें और ग्राइंडिंग की आवश्यकता है। इस तरह अपन कम समय में अपन अपने ड्रिल के एंगल की जो पॉइंट होता है उसकी तुरंत जांच करके अपन इसको बना सकते हैं। या आपका कॉम्बिनेशन सेट में आपने देखा होगा आपका स्क्वायर हेड होता है, उसको भी आप 180 डिग्री पर सेट करके आप अपने ड्रिल के जो पॉइंट एंगल है उसकी जांच कर सकते हैं। यानी कम समय में जो आपका ड्रिल है उसके पॉइंट एंगल को जांच करने के लिए ही ड्रिल एंगल गेज का प्रयोग किया जाता है। दूसरी आती है आपकी इसी में ड्रिल गेज, वो भी मैं बता देता हूँ, छोटा सा पॉइंट है ड्रिल गेज। ड्रिल गेज नाम से समझ में आ रहा है कि ये ड्रिल को डाया को चेक करने वाली गेज होती है। यानी आपका जब ड्रिल देखा होगा आपने, ठीक है, आपने ड्रिल यूज किया होगा तो आपने देखा था ये आपका ड्रिल रहता है इस तरह का, रहता है इस तरह का ड्रिल, और यहाँ पे क्या बना था, पॉइंट्स बने होते हैं उसमें आगे दो, ठीक है, और यहाँ पे फ्लूइड एंगल इस तरह बना रहता है इसका जो भी रहता है। तो यहाँ पे इसमें नंबर निकाला था, जैसे 8 mm का ड्रिल हो सकता है, 10 mm का होता है, तो
इसका डायर क्या होता है, जब आप मशीन पे काम में लेते हो तो ये काम में लेते लेते चक में फंसाते तो ये मिट जाता है। अब आपको पता नहीं रहता कि ये कितने एमएम का ड्रिल है या कितने इंच का ड्रिल है, तो उसके लिए एक गेज बनाएंगे। कैसी गेज? एक ऐसे पत्ती का टुकड़ा बनाएगा और उसमें एक अलग अलग साइज के होल कर दिए गए, ठीक है, अलग अलग साइज के क्या कर दिए गए, होल कर दिए गए, ठीक है, और इन होल पे नंबर लिख दीजिए, जैसे 8 mm का, 7 mm का, 5 mm का, 4 mm का, 3 mm का, 2 mm का, 1 mm का, 10 mm का, क्या इस तरह की एक गेज बना दी गई, ताकि क्या करेंगे अपन, अगर पता नहीं कि कितने ये मिट जाता है काम में लेते हैं, तो जब इसको मिट जाता है तो इसको चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे, तो 180 पर यहाँ पे अपन गेज के पड़ रहे हैं, तुरंत चेक करने के लिए चाहिए ना, तो अपन क्या करेंगे इसको उठाएंगे और इस होल में डाल के देखेंगे, अगर ये होल में एकदम उस होल के साइज का बन रहा है तो ये अपना एकदम एक्चुअल आपका ड्रिल होगा कि इतने एमएम का है। तो ये अपने आज की दो अपने टॉपिक पढ़े, ड्रिल एंगल गेज जो ड्रिल के एंगल को चेक करने काम आती है, और ड्रिल गेज जो ड्रिल के डायर को चेक करने काम आती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आगे दीजिए, धन्यवाद।